अर्थदंड वसूलने का रिवाज तो सभी ने सुना होगा, लेकिन स्वैच्छिक अनुदान को भी जबरन वसूलने का रिवाज भिंड में जोर शोर से चल रहा है, जहां कलेक्ट्रेट में स्थित शस्त्र शाखा में पदस्थ बाबू राजू शाक्य के द्वारा फौती लाइसेंस के नामांतरण के लिए 10,000 रुपए रेडक्रॉस के नाम पर मांगे जा रहे हैं, जबकि रेडक्रॉस स्वैच्छिक अनुदान राशि होती है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी निश्चित राशि देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जबकि वीडियो में बाबू इस वसूली को कलेक्टर के मौखिक आदेश से होना बता रहे हैं। हालांकि इस मामले के विषय में जब कैमरे पर उनका पक्ष जानना चाहा, तो वह बंगले झांकते बोले, आप एडीएम साहब से पता कर लो। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इससे उनकी मौन सहमति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नामांतर होते हैं जैसे, तो होते नामांतर में भी सर रेड क्रॉस कितना लग रहा है? 10,000। 10,000 रुपये दो सर कंपलसरी है क्या? लग रहा है तो कंपलसरी ही है। किसके आदेश से लग रहा है? कौन को आदेश चले गए ये बताओ। हम अच्छे से पूछ रहे हैं। नहीं आप बताओ, कलेक्टर साहब का आदेश है क्या? और कह रहे हैं हमारा क्या मतलब है, कौन से हमारे खाते में जा रहे हैं? हम करा हम तो कह रहे एक भी मत कराओ। हम शाखा में गए थे तो वो रेड क्रॉस मांग रहे। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? बोला 10,000 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा रेड क्रॉस। तो आप जमा करा दो, क्या दिक्कत आ रही? मैं सर उसमें असमर्थ हैं जमा करने। हाँ असमर्थ हैं, पैसा जमा नहीं करा। तो आप कम भी दे सकते हैं ना, वो ऐसा तो वो अनुदान राशि है ना, उसको तो कम भी दे सकते हैं। उनका कहना ये है जी, बोला कि आपको 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, अगर 10,000 नहीं करेंगे तो रेड क्रॉस नहीं करेगी। किसने बोला आपको?